सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चाउमीन रोल बनाने चल रहे हैं, तो ये हमने चाउमीन बना लिया है पहले से। इसका वीडियो हम डाले हैं, आप देख सकते हैं किस तरह हमने बनाया है। इस अब इधर हम मैदा ले रहे हैं, लगभग एक कटोरी हमारा मैदा है। इसमें एक चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं, और हल्का सा नमक डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं पहले। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल लगाते हैं इसको मैदे को। इसको हमको आटा जैसे ही सानना है, ज़्यादा ना पतला गाढ़ा मोटा करना है, टाइट और ना ही मुलायम रखना है। ये हम मैदा सान के रख दिए थे, ये देखिए इस तरह एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। 10 मिनट तक इसको लगभग रखे थे। अब इतनी बड़ी बड़ी हम लोई लेंगे। ये हम लोई बना के रख लिए हैं, इसको बहुत बारीकी बेलेंगे। हल्का सा सूखा मैदा लगा लिए हैं। ये मैदे को हम रोटी बराबर बेल लिया है, और ये बहुत ही बारीक है, ये देखिए बहुत ही पतला बनाए हैं। इसको हम इस तरह से रोल फैला ले रहे हैं। इसमें चाउमीन लगाएंगे, चाउमीन को ऐसे हमको लगाना है। इस तरफ से इसको हम फोल्ड करेंगे। इसको मोड़ेंगे, ये हमारा रोल बन के रेडी है। इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल गरम है, इसको हम डाल के इसमें फ्राई करते हैं। इसको ये हम इसको धीमी आंच में पका रहे हैं। इसको पलट रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया है, ये इस तरह से हमारा चाउमीन रोल बन गया है, फ्राई हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं, सभी हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसको हम चाकू से कट करेंगे। इस तरह इसको पीस में, ये देखिए एकदम खस्ता में बना है, बहुत ही टेस्टी है। इस तरीके से चाउमीन रोल हमारा बना है, इसको हम पीस में कट कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा चाउमीन रोल बन के रेडी हो गया है खाने के लिए। इस तरह से ये बाजार जैसे बहुत ही टेस्टी होता है, इस तरह से आप लोग भी घर पे बनाइएगा। और मेरा तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।